गत्ता फैक्ट्री वाले जी शहबाज गुंदल साहब सलाम अलैकुम, चौधरी अली साहब सलाम अलैकुम। ओए बस ये आज ठीक हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, चौधरी अली साहब सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जी, माशाल्लाह। अच्छा बड़ी हिलती है यार ये। अच्छा वालेकुम अस्सलाम उमर मुस्तफ़ा साहब, लाला इकबाल जागीरानी, मुबशर भट साहब, सर बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम जी, सबको सलाम जी। जी पिजन अरसलान राजपूत साहब सलाम अलैकुम, शेरी राजा साहब, अरके अली वालेकुम सलाम, मूसा नाजी जी सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। बाबर शाहीन साहब क्या हाल है बेटे का जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी दिखाता हूँ आपको। जहांगीर अंसारी साहब जी, उस्ताद खान रेहान खान साहब, सर सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप। जौहर पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन 0019 कराची, शेरी राजा साहब, काशी भाई को सलाम बोलना, आपको पता चल गया जी। मीर फैजी साहब, सैयद अब्बास बिन फैसल साहब, आदिल कलीम साहब, वालेकुम अस्सलाम सर जी, वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई सबको सलाम कह रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे की तबीयत मेरे बिल्कुल ठीक है और खतरे से बिल्कुल बाहर है माशाल्लाह। और बहुत से लोगों की कॉल्स आई, बहुत से लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, बड़े लोगों ने दुआएं दी, आप सबका बहुत शुक्रिया। उस्ताद हाजी यूसुफ साहब, उस्ताद राना रजाक साहब चूनिया से, उस्ताद इकराम पहलवान साहब और सैयद तुराब हैदर साहब, रेहान खान साहब और क्या नाम है शाहिद रजा साहब, इन सब ने जो है पूछते रहे। अरमुगान पूछता रहा, फैसल भाई अभी भी पूछ रहे हैं, फैसल भाई भी पूछते रहे। यूसुफ भाई का स्पेशल फ़ोन आया दुबई से, हबीब मुगल साहब ने, वसीम भाई ने बहुत सपोर्ट किया, बाबर भाई ने भी बड़ा हौसला दिया, उस्ताद मलक बाबर मंडी वाले भी और मॉडल टाउन वाले दोनों ने फ़ोन किए। बड़े दुनिया ने अपना प्यार जाहिर किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। राजू भाई जो हैं जिनके लास्ट हम कवरेज पर थे वहाँ कराची में, उन्होंने बड़ा वो किया। आज़म भाई ने, मीर सलीम साहब के फ़ोन आते रहे, मसूद भाई जो हैं शेख जफर साहब के बेटे, उन्होंने बड़े फ़ोन किए। अब सब अल्हम्दुलिल्लाह हालात जो हैं नॉर्मल होने की तरफ चल पड़े हैं। सबसे अहम नाम जी उस्ताद सैयद काशिफ हमीद साहब का, उन्होंने बड़ा जो है हौसला दिया, फिर यहाँ मुल्तान चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक रेफरेंस निकाला, उस रेफरेंस के थ्रू बड़ा हमें सहारा रहा। डॉक्टर तारिक साहब वहाँ थे और उनकी वजह से बच्चे को बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता रहा और फिर आज भी हम सैयद उस्ताद सैयद काशिफ हमीद साहब के साथ ही हैं, वही जो हैं अभी हमारे साथ भी हैं। उन्होंने मतलब एक डॉक्टर के पास भी लेके गए, अभी फिर हमने एक डॉक्टर के पास जाना है तो वो मेरे बच्चे के साथ इधर खेल भी रहे हैं, ये तो उसको खिला भी रहे हैं साथ साथ, तो वो भी मेरे साथ हैं। तो हम अभी फैक्ट्री आए हुए थे उनकी, तो औसजा भी ज़िद कर रहा था कबूतरों की, तो काशी भाई इधर ले आए तो वो हमारे साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं काशी भाई। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, अब चूंकि हालात तो नॉर्मल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके भी साथ हमारे काफ़ी कॉपरेशन रहा। जी 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 पिजन साहब, तो ये काशी भाई अब ये तैयारी वाले परिंदे हैं सारे, ये ब्रीडर है उस साइड पर। हाँ उस साइड पे। अच्छा उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो कुछ बताएंगे कि कितने अरसे से ये ताल्लुक चलता आ रहा है आपका। 2005 में उनसे मिलना जुलना शुरू हुआ था जी। 2005 में। और मेरी खुशकिस्मती है, मैं उन्हें जानता नहीं था लेकिन किस्मत से उनके पास एक मुलाकात हो गई और वो बस उस हवाले से मैं लकी हूँ कि वो बस हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। 2007 में मैं शागिर्द हुआ। 2007 में शागिर्द। और 2012 में मुझे मियां साहब ने उस्तादी दी थी। अच्छा मैं आपको एक बार बताऊं कि 2007 में आप शागिर्द हुए हैं और 2012 में आपको उस्तादी मिली है। 2008 में मेरी आपकी पहली मुलाकात थी, ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानता था। अब आपको ये भी नहीं याद होगा कहाँ।
ये इसका जिक्र नहीं हुआ पहले भी। अच्छा। तो ये मैं आप बताता हूँ। अच्छा। मोकम भाई के घर मेरी आपकी मुलाकात हुई। अच्छा, थी हाँ, हसन मौजूम सर। जी जी आप वो वाला लो ना, वो वाला पिजन ले लो। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी पहली। तो मैं आपसे शनासा तो पहले से हूँ। हाँ तो माशाल्लाह, तो 2012 के बाद से क्या आपने क्या देखा, अपने शौक में कुछ चेंजेस आए उनकी शागिर्दी के बाद उनके? वो तो बिल्कुल, मैं तो बचपन से ही शौक कर रहा हूँ और 2000 से ये छत है हमारी, सन 2000 से ये छत है यहाँ पे, 2000 से मैं शौक कर रहा हूँ सन 2000। अच्छा, इस छत पे ये फैक्ट्री है ना आपकी? जी फैक्ट्री है। इससे पहले मैं घर पे शौक करता था। सही। तो लेकिन जब मियाँ का शागिर्द हुआ तो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल चेंज आ गया, 180 के डिग्री पे चेंज आई। तो अच्छा। वो बर्ड भी हमने निकाल दिए, अभी भी आप तो खुद भी देखेंगे मेरे पास सिवाय मैं देख रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल दूसरा कोई बर्ड नहीं है। सही। तो क्या पोजीशन कैसी रही, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी वो बर्ड्स बस मुल्तान नहीं उड़ सकते और फलानी जगह नहीं उड़ सकते। काशी भाई कह रहे हैं आप? वेरी गुड। मैं कह रहा था ना काशी भाई। हाँ, तो कह रहे काशी भाई ये वाला, वो आप वो उससे खेलो, हम जरा बातें कर रहे हैं अभी, रुक जाओ। कामरान भाई रिजल्ट का और इन चीजों का देखे, मेरी बात सुने, वो तो आपके भी सामने, अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें ख़ास तौर पे उस्ताद जी की बहुत ज़्यादा शफकतें हैं और वो, मैं तो कहता हूँ उनकी शफकत का साया भी मेरे सर पे अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और उनके बाद फिर अजीम भाई से बहुत अच्छा भाइयों वाला बिल्कुल ताल्लुक है, तो वो भी इसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं अजीम भाई भी। अच्छा, आपकी पार्टी के दूसरे अरकान जैसे? वो तो फिर आपको पता है, चेयरमैन साहब वो तो आपके लीडर है ना मेन। हाँ, अदा कर रहे हैं। और जी जी जिस, और आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जिस तरह वो मकसद है कि ग्रुप को आगे लेके जा रहे हैं मंजिल बा मंजिल, स्टेप बाय स्टेप ऊंचाई की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप जा रहा है। और अभी आप दुबई से भी होकर आए हैं। बिल्कुल, आपकी पार्टी के बड़ी अच्छी छतें थी वहाँ पे। जी, इधर वाले में, इधर वाले में। और अब कुछ वहाँ पर जाहिर है कुछ टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी यूसुफ हमदान वगैरह की छत से भी आई है कुछ। हम वो बता रहे हैं कि 7 बजे के बाद का एक रिकॉर्ड है। रोज रोज की बाजियों में उड़े, रोज रोज की बाजियों में उड़े। इधर से चेयरमैन साहब ने बहुत सारे बर्ड्स उधर भिजवाए हैं जो जाहिर है नाम पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अभी जो आपके पास बर्ड्स हैं ये भी उन्हीं से रिलेटेड हैं सारे? टोटल मियां साहब वाले टोटल। तो आपके, आपने एक लास्ट ईयर जो एक टूर्नामेंट भी करवाया था और इस साल भी उम्मीद है कि आप कोई अच्छी गेम लेकर आएंगे मुल्तान के लिए, क्योंकि मुल्तान की गेम जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई भी है। हाँ जी, ऐसे ही है, कंट्रोवर्शियल हर जगह की हुई भी है। हाँ, होती है, लेकिन ये कि ये ज्यादा मशहूर है ना। हाँ, मुल्तान हो गया, कराची हो गया, तो कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा हाइप पर आ जाती हैं। है। लड़ाई तो हर घर में होती है। बहरहाल हमारा फिर भी ये है कामरान भाई, सब दोस्त हैं, सब भाई हैं, थोड़ी थोड़ी कह लें, कुछ उसूलों की कह लें, तो बस ऐसे है। लेकिन मेरी यानी जाती राय में ये है कि हम सब मुखालफिन भी हैं, भाइयों की तरह ही हैं, वो अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी, हर इंसान की, कोई किसी के सहारे पे, कोई किसी के कंधे पे रख के खड़ा है, तो बहरहाल अल्लाह करेगा। मैंने सुना इस दफा 3 से 4 ग्रुप्स हैं आप लोग जो इकट्ठे मिलके शौक भी कर रहे हैं और मतलब टूर्नामेंट्स भी अरेंज करेंगे। हाँ देखें, अपना अब 3 साल से जो है हम आल मुल्तान पिजन फ्लाइंग क्लब के नाम से उड़ा रहे हैं, और वो मेरे मुंह से कहना कुछ इतना अच्छा नहीं है, पूरा मुल्तान जिसे अगर आप सुने तो हमने बिल्कुल साफ़ और शफाफ किस्म के टूर्नामेंट्स हमने उड़ाए हैं। और उसका सबसे बड़ा खासा ये है कामरान भाई के, हम कोई अगर 15 या 16 टूर्नामेंट्स उड़ा चुके हैं तो एक भी फैसला कमेटी में नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात। हमारे जो मुंसिफ होते हैं वो इतने सख्त और उनके पास अथॉरिटी होती है, और 12 बजे के बाद जितने कबूतर जिन छतों के ऊपर होते हैं तो वहाँ सालिस जाकर बैठ जाते हैं, तो ऑन द स्पॉट वो फैसला कर देते हैं। सही। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, अल्लाह का शुक्र है लोग एतमाद कर रहे हैं, तो अभी भी कुछ, एक हमारा 29 मई को एक वनडे है। अच्छा, ये इधर के शौक का पहला वनडे होगा? पहला वनडे। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा 7 कबूतरों का एक टूर्नामेंट है 3 रोज़ा, और उसके बाद फिर 4 मई को हमारा चैंपियन ट्रॉफी है मुल्तान की, मेन 11 कबूतर और 4 फड़के हैं, 5 फड़के और रमजान शरीफ की वजह से नहीं कर, 4 फड़के कर दी, तो अच्छा शौक होगा, बहुत सारे दोस्त हैं, साफ सुथरा शौक, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात कामरान भाई, हमने मकसद ये है कि अभी जो हमारे पिछले टूर्नामेंट, हम विद इन अ वीक जो है वो प्राइज मनी दे देते हैं ऐसी जीतने वालों को।
बिल्कुल, जो कप होगा वो तो चले हो जाता है, सेरेमनी नहीं हो जाती है, लेकिन ये क्या किसी को परेशानी नहीं होती कि यार इनाम पी गए और पता नहीं कब देंगे। हाँ ठीक है, ये है कि जो भी जीतने वाला होगा इनकी कोई उंगली ना उठा सके। ठीक हो गया। अच्छा, ये शौक आप अकेले कर रहे हैं या भाई? आतिफ मेरे साथ है। अच्छा, और ये नासिर इधर आओ, ये छक्का महाविद भी है। अच्छा, मालिक भी है और मेरा शागिर्द भी है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये इसको बहुत क्रेडिट जाता है। अच्छा, के सारा संभालना, गिरदान लगाना ब्रीडर में, तो ये नासिर होते हैं। ये एक बड़ा अच्छा लफ्ज दरमियान में आ गया, गिरदान लगाना। इसका मतलब जरा, लोग अक्सर आते हैं कि जी गिरदान क्या होता है? वो पंजाबी में गिजाना। हाँ, गिजाना कहते हैं। हाँ, हिलाना गिजाना, जो मतलब कबूतर को पहचान कराना, जिनको उड़ाना है। बिल्कुल, तो अपने वालदैन से भी गिरदान लगाना ही सीखा। सही, इनकी बहुत मेहनत है जी। ये गन्स बिहाइंड दी पीपल जो होते हैं, हाँ, वो लोग हैं और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। तो ये अभी ब्रीडर हैं ये सारे? ये सारे ब्रीडर हैं। और ये क्रॉस पेयर्स हैं कि प्योर लगे हुए? ये प्योर लगे हुए हैं मोस्टली। जी जी बाबा, जरा भाई हम ध्यान रखना बच्चों का, पर पूर ना खेल दे। जी बेटे का हाल वो दूसरे पिंजरे में है, अभी आपको दिखाते हैं उसका क्या हाल है। जी ये तमाम कबूतर हैं उस्ताद सैयद काशिफ हमीद साहब और इनके भाई सैयद आतिफ हमीद साहब। अच्छा, आतिफ भाई अभी उस्ताद तो नहीं हुए? आतिफ भाई उस्ताद? उस्ताद नहीं, नहीं है। चले वो होंगे तो आपके ही होंगे। नहीं, वो मियां साहब के शागिर्द है ना। अच्छा, मियां साहब के शागिर्द? हाँ, वो मियां साहब के शागिर्द। तो पग तो आप भी दे सकते हैं ना। हाँ, जारी बात है। तो ये देखें जी, ये अच्छा, ये सारी ब्रीड उन्हीं के घर की लाई हुई? ये सारी उनकी लाई हुई है। ये देखें, ये बताइएगा अभी जरूर के नाम क्या है। लोग इन चीजों को बड़ा, ये लोगों को क्रेज पुराने। ये मियां साहब के हाथ से आया भाई जी, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। अच्छा माशाल्लाह, आंख तो बड़ी प्यारी बनी है। ये इसकी आंख है, तो मेरे ख्याल है 2006 में मैं ये बच्चा लाया था, छोटा था। अच्छा, मियां साहब की ये खासियत होती है। 2006 12 साल का जी जी जी। तो वो मुझे जो है ना बता देते थे कि यार पुत्र इन्हों ने उड़ा लें तो ये जोड़े च पा लें। तो ये बस ये उन्होंने कहा था उड़ाने के लिए, जोड़ों के लिए, जोड़ों के लिए ब्रीडर है। 12 साल से इसके बच्चे मेरे पास हर टूर्नामेंट। छट्टों वाले? ठीक हो गया जी, ये छट्टों वाले कबूतर। अच्छा, मजे की बात है, इसके ऊपर भी लाल निशान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लाल निशान ये भी देता है। बिल्कुल। अभी आतिफ भाई के पास और भी देखते हैं जी, आतिफ भाई और काशिफ भाई दोनों के। अब ये इसका बेटा है। अच्छा, इसका बेटा है। तो मेरे पास स्लेटे हैं माशाल्लाह काफी जी, कुछ मैं मियां साहब से लाया था। बहुत, तो इसके बच्चे हैं सारे। ये जब मैं रोकने वाले असल इसके साथ मादा लगाता हूँ तो ये कासमी बच्चे निकालते हैं। अच्छा जी, ये इसी का बच्चा है। असल से मुराद मतलब आप देखिए, कमगर जो भी होगा ना, जब उसको असल लगाया जाएगा तो उसकी खासियत है कि वो स्लेटे बच्चे निकालेंगे। सही। तो ये जबरदस्त एथलीट, बड़ी अच्छी है यार, बहुत जबरदस्त, बड़ी चौड़ी कशादा आंख जिसको हम लोग कहते हैं, खुली आंख। ये एथलीट्स हैं तो मतलब आप कहते हैं कि इन कबूतरों को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि तैयारी की भी, और मियां साहब के कबूतर बेहतरीन कबूतर हैं। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। अच्छा, ये आपने साथ साथ बताते जाने? ये भी उसी कबूतर का बेटा है। अच्छा, उसी के छठों वाले का जी। ठीक हो, ये है 1.5-2 साल है, ये थोड़ी सी एज में आकर ये भी छाप अपनी ले आएगा, गहरा हो जाएगा। बिल्कुल, ये कर रहा है ये ऊपर, ये गहरे हो जाएंगे। सही, बहुत जबरदस्त जी। अभी 127 लोग हैं। उस्ताद उस्मान भट्ट साहब बांकों वाले, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े बांके इनके कबूतर मशहूर रहे हैं। ये डब वाले हैं जी। अच्छा, ये मियां साहब के डब वाले हैं। ठीक, बहुत अलग, बहुत जबरदस्त। ये कबूतरी है मेरे मोस्ट फेवरेट है जी। ये डब वाले, डब वाले हो गए। अच्छा, डब वाले एक और भी आए हैं, वो गुलाबी सी नोके और गहरे, वो मियां साहब से रिलेटेड तो नहीं है? मियां साहब से रिलेटेड ये काली चोंचों के इस तरह के कबूतर। देखिए, फिर वो एक कंट्रोवर्सी वाली बात आ जाती है, वो करना नहीं जा रहा। बार मेरी अपनी, या जो मैंने सीखा है, कहने काली चोंच होगी ना उसमें उतनी पायदारी होगी, मजबूत से ठीक होगी। यानी मैं इसको मेरी ना, ये आपकी भी बिल्कुल, और आपके उस्ताद मोहतरम से रिलेटेड जितने लोग हैं वो यही बात करते हैं। बिल्कुल पक्की नोक, पक्की नोक बिल्कुल। बल्कि मैंने आखिरी जो पुराने आप हमारे मियां साहब के कबूतर देखेंगे ना, जो 10-12 साल पुराने हैं, वो सफेद चोंच के गोल्डन वाले।
अच्छा। उनको फिर ग्रेजुअली मियां साहब चेंज करते हैं, और अब अजीम भाई ने भी जो बनाए हैं आप गोल्डन कबूतर देखेंगे मगर उनकी चोंच काली होगी, हाथ वही रिंग होगी, कलर हर चीज होगा मगर चोंच काली होगी, चोंच काली। उनमें से है कोई उस तरह? जी जी बिल्कुल, वो दिखाते हैं जी, अभी अंदर चला गया होगा। हाँ नहीं नहीं, मैं पहले व्हाइट चोंच वाले, और फिर उसके बाद जैसे ये मादा बैठी है पुरानी, ये वाली है। हाँ ठीक है, ये सफेद है, ये भी मियां साहब की, लेकिन ये सफेद चोंच की है, और इसमें उन्होंने बाद में अमेंडमेंट्स किए हैं। अब जो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ मैंने कासनी बनाए हैं, चीने हैं, ये जो और भी हैं जी। मोहम्मद नादिरुल हसन साहब भी हमारे साथ हैं जी, बहुत मुबारक हो आपको, आपको तो मैं मुबारकबाद देना भूल गया था नादिर भाई उस दिन। ये माशाल्लाह जी साहिवाल से ताल्लुक है, बड़े छोटी सी उम्र में इन्होंने 2016 में चैंपियनशिप उड़ाई। अच्छा नादिर भाई हैं? आल साहिवाल चैंपियन भाई हैं, दोस्त हैं मेरे बहुत प्यारे, और पिछले साल इन्होंने नहीं उड़ाए और इस साल फिर उड़ाए हैं, तो बैसाख के चैंपियन हो गए हैं सर ये साहिवाल। मुझे पता है, नादिर भाई कबूतर मेरा ख्याल है कि हम बाहर ला के देखेंगे। हाँ ठीक है, ये इधर उसको कह देते पर वो उधर उसको देख रहा है। और ठीक है, अब मैं इनकी भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखें इनकी भी चोंच कासनी है। हाँ वाइट नहीं है, वाइट नहीं है सही। ये भी मैंने देखे गुलाबी नोक है ना, सलेटी। ये भी उसे बड़े कबूतर की आगे आल औलाद है। अच्छा ठीक, इनके आपको ज्यादातर छट्टों वाले ने जो है, हाँ गोल्डनों में, हाँ रिजल्ट दे रहे हैं। असल में देखें मुल्तान में रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर कोशिश होती है कि अच्छी चीज और उसी तरह की पायदार रहे। बिल्कुल सही, ये फिर डब वाले हैं, ये पुराने कबूतर हैं। ये जो स्लेटा पर इनके बीच में आ गया, इसकी भी ये खूबी है, इन डब वालों की भी खूबी है, जब इनको भी असल लगाएंगे इनमें से भी स्लेटे निकलते हैं। अच्छा जी, वो कह रहे जी आपकी दुआओं का नतीजा नादिर आपको कह रहे हैं। नहीं नहीं माशाल्लाह आपकी मेहनत भी है भाई। ये अच्छा बड़ा जबरदस्त, इसका ना एक चीज यानी कि कुछ कबूतर मियां साहब के ऐसे हैं, उनको जब पकड़ो तो वो बता देते हैं यार ये मियां नजीर वाले हैं। जी जी एग्जैक्टली, ठीक है लोग कह देते हैं यार ये मियां नजीर का लगता है क्योंकि वो मतलब खिंचाओ उनके जिस्म के बॉडी स्ट्रक्चर ये वो। अच्छा ये देखें जी, ये वो स्लेटा। जी जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। नादिर भाई जो मेरे स्लेटे हैं, मैंने मेहनत की है उसमें भाई की बड़ी, उनमें मैंने ये लाल आंख में चीने कुछ पेड़ हैं जो मैंने माशाल्लाह शौक से काफी बनाए हुए हैं। यार ये बहुत आपकी जो है, आपके और पीर भाई भी काफी हैं, जैसे मियां हामिद साहब है वो भी ये शौक कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत जबरदस्त, मिलकर ही कर रहे हैं। हाँ वही ना कि मैं देख रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बहुत है मियां साहब के शागिर्दों की ना, बस वो तो आजकल वो सारे ही छोटे भाइयों की तरह। हाँ। माशाल्लाह, तो वो उसकी भी छत बड़ी अच्छी, कुछ चीने उससे मैं ले आया था, कुछ चीने वो यहाँ से ले गए थे कंट्रीब्यूट कर, जैसे कुछ मादियाँ मेरे पास नहीं थी तो मैं उनसे ले आया, कुछ नर थे वो ले गए, तो मिलजुल के हो गया। ठीक है बिल्कुल सही, प्लस यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं तो यहाँ बन भी रहा है। हाँ जरा नासिर साहब से कहेंगे देख लें वो और जगह कबूतर ना बाहर निकाल दे। अच्छा जी ये और कबूतर आपको दिखाते हैं, ये कौन सा है जी? ये टैडी है जी, ये भी मियां साहब वाले हैं। ये देखें जी, ये भी मियां नजीर साहब वाला एक टैडी कबूतर आपको दिखाते हैं। ये अभी मैं बड़े मियां साहब से आया था जी ये मेरे पास। अच्छा, और ये कोने वाले टैडी हैं जी। नाजीन तो कोने वाला टैडी भी देख रहे हैं, कई लोगों के पास कोने वाले पड़े हैं, बहुत जबरदस्त पुराना कबूतर है। इसका बाप इनफैक्ट में लाया था मियां साहब से, मैं वो भी आप रामपुरी ब्लड लग रहा है। हाँ इनमें है ना पीछे से, यानी ले आते हैं बन जाते हैं, और इनके असल चीज़ वही है कि जो भी ये उम्र सीधा होते जाते हैं गहरे हो जाए। इसका बड़ा भाई दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें जी ये कोने वाली टैडी। काश भाई आपको नासिर को ना अपना फ़ोन देना होगा, उससे कहेंगे वहाँ पिलर पर रख दे बोतल के पास। अच्छा वहीं रख दो नासिर, नहीं फ़ोन आपका। अच्छा वो हाँ वो क्योंकि यहाँ पर वो नेटवर्क कोई कम कर गया, वो नहीं मेरी कॉल आई थी ना तो ड्रॉप हो सकता है। जी बाबा दावा अभी नहीं कॉल, अभी अंदर रुको जरा, अभी हम काम कर रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी टेडी कहलाएगा। ये बिल्कुल ये प्योर टेडी है। अच्छा, और ये इनकी छाप नहीं है, ये ऐसे ही रहते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। तो ये अब मैच्योर हो चुकी है, तो ये इसकी दुम काली हो गई है, वरना दुम में भी एक दो पत्ते सफ़ेद और मिक्स थे, तो अब ये बिल्कुल मैच्योर हो गई है। ये अजीम भाई से मैं अभी लास्ट ओवर पे लाया था,
तो मेरे पास चूंकि ये कलर जरा कम है, आप देख भी रहे होंगे मेरे पास गहरे हैं जरा ज्यादा। अच्छा, तो आपने क्या किया जरा इस कलर को बनाने के लिए अभी लास्ट वीडियो में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मियां साहब के कबूतर जो है ना वो सख्त बहुत है और उनकी जाने की रेशो ज्यादा है, आप इस बारे में कुछ कहेंगे? मैं क्योंकि तो मैं आपको बताऊं कि जो मुल्तान की गर्मी है ना, जो भी है बहरहाल वहां से ज्यादा है। नहीं नहीं, लाजमी बात है, ठीक है। तो लाहौर से 2-3 डिग्री फालतू। हाँ, और फिर यहाँ रेत के गुबार होते हैं, मिट्टी होती है और ह्यूमिडिटी लेवल जो है उसका भी बहुत ज्यादा। हाँ, तो इसमें आप बहुत अच्छा बता सकते हैं इस बारे में। ये मैं बात से बात निकली, बच्चा भी सामने आ गया, इसी जोड़े का ये बच्चा है, जुड़ेगा बच्चा है। मैं बताना ये चाह रहा था कि मैं मकसद है कि पिछले 10-11 साल से यही उड़ा भी रहा हूँ और इनको जोड़ों में भी डाल रहा हूँ। तो लोगों के जहन में एक चीज़ है कि सियालकोटी कबूतर रखे हैं उनमें सियान बहुत है, तो मैं मियाँ साहब के कबूतरों के बारे में सिंपल एक बात कहता हूँ कि ये उड़ान के हवाले से कसूरी हैं और सियान के हवाले से ये सियालकोटी हैं। जबरदस्त। अच्छा, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सियान हर कबूतर में होती है। देखें, मैं एक बात आपको बात से बात निकली है, अब जिस कबूतर ने 2 घंटे उड़ना है वो तो सियाना ही बहुत होगा, जो कबूतर 12 घंटे उड़ के आएगा सियान तो उसकी पता चलेगी। हाँ, उसके असल में ये सारा चक्कर है बॉडी स्ट्रक्चर। हाँ जी, पावर और आपकी तैयारी पे, क्योंकि उसने बहुत दूर से आना है। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत दूर से आना है, पता नहीं दरमियान में कितने चक्कर लेगा, पहले 12 घंटे उड़े हुए अब कहाँ जाके वो सीधा हो जाए। देखे, मुल्तान में जो मौसम चेंज होता है ना, कभी हवा का ऊपर का लेवल जो ज़्यादा होती है, हवा तेज़ होती है, हम नीचे बैठे होते हैं, यार कबूतर हमारे आज बंद नहीं हो रहे, क्या वजह है? कबूतर समझदार होता है जी, हमने उसे गर्म भी किया होता है, खेल पानी भी किया होता है, हर इंसान ने। हाँ, ना सिर्फ जरा देखना, बच्चे को जरा देखते रहना यार साथ साथ। वो जो है ना अपना कबूतर अकलमंदी की वजह से ऊपर नहीं जा रहे होते कि ऊपर हवा जो है तेज होती है तो वो नीचे, तो जब अल्लाह जन्नत में जगह दे मियाँ साहब से डिस्कस होती थी, मैंने कहा मियाँ साहब कबूतर नहीं ऊपर गए, तो मुझसे पूछते थे बाकी शहर वाले तो उत्ते गए ने, मैं गया आहो, कह रहे फिर उन्होंने वापस नहीं आए, उन्हें काफी तड़े, कह रहे एक कबूतर सियाने ने जेड़े उत्ते नहीं गए, उत्ते कोई हवा जो हेर फेर होनी है, ये उत्ते गए ने वेख के थले वाली जगह थे जिथे कंफर्टेबल अपने आप को समझेंगे वहां उधर खड़े हो जाएंगे। तो ये एक अकल की दलील है। सही है। हाँ, तो ये एक चीज है, तो ये असल में सियान है। ये सियान है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब वो चीने, तो सर आपने बच्चा दिखाया। हाँ, मैं बड़ा बिल्कुल ले जी, चीने कबूतर दिखाएंगे, बशर्ते कि आप लाइक ज्यादा करें। यारा नाल बहारा सर, कैसे हैं आप? मैं जरा उनसे बातचीत कर रहा था, काशी भाई से, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब ठीक ठाक। आपका बहुत कबूतर है, शुक्रिया। वहीं से आया हुआ। अच्छा, ये मियाँ साहब के घर का आया हुआ चीना, ये भी कर देगा ना स्लेटिंग? जी जी बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया, मैं नीचे आपको दिखाऊंगा इनके बच्चे स्लेटे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ये देखिए जी, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। इसको बाहर छोड़ेंगे, रुकते। ये है जी उस्ताद मियां नजीर साहब के पास से आया हुआ चीना कबूतर जनाब, उस्ताद सैयद काशिफ अमीन साहब जी। बाबा पीछे पकड़ो, इसको पकड़ो, आप पकड़ो। अच्छा, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक है? ये नहीं लेना, नहीं है वो वाला, पकड़े आप अपना वाला पकड़े आप। हाँ हाँ, अभी देते हैं, अभी ये देखें जी, माशाल्लाह 332 लोग हैं। और ये चीनी फीमेल है इसकी? नहीं, ये भी इसका, ये इसका बेटा है। इसका आंख का वाया देखें और आंख की जो चमक है, ये चीनों में नहीं, मियां साहब का दिल बड़ा अच्छा है इसका। इधर से आ जाओ बाबा, आ जाओ, दावा खोल, दावा खोल। अच्छा, नहीं, रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह बहुत आला कबूतर है। देखें जी, बताएं ये सही नजर आ रहे हैं आप लोगों को? थोड़ा क्योंकि टाइम जरा हो गया लाइट कम का, हम जल्द अज जल्द आपको कबूतर कुछ दिखा दें। तो ये उस्ताद सैयद काशिफ अमीर साहब के अहम मेन कबूतरों में से कबूतर है। तो हमने पहले इनका शौक करवाया, लेकिन वो नुमान ने आके करवाया, और माशाल्लाह नुमान का हेयर स्टाइल वहाँ से बहुत मशहूर हुआ था। अच्छा। हाँ वो जी माशाल्लाह, देखिए जी कैसा ज़बरदस्त खड़ा हुआ कबूतर। जी जी, ये वही बेटा जो बीमार था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, दिखा रहे हैं, अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, आपको पता आगे अभी दिखाते हैं। तो दोस्तों से बस, ये मेरी फेवरेट टेडी है। अच्छा, माशाल्लाह।
एज कितनी है इसकी? इसकी है कोई 7-8 साल। इसका बाप मियाँ साहब के, माँ बाप मियाँ साहब से ही आए हैं, मेरे घर की पट्टी है। ये भी माशाल्लाह बड़ा है। हाँ नहीं कि वो ले लो, अच्छा वो पकड़ लिया उन्होंने, ले ले यही ले ले। तो ये नाज़रीन कबूतर थे जनाब उस्ताद सईद काशिफ अमीन साहब के। और हाँ बस, तो ये आपको उम्मीद करते हैं पसंद आए होंगे। और मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आज हमने कोशिश की कि कुछ कबूतर आपको खास दिखा दें। ये कबूतर भी बड़ा खूबसूरत बैठा हुआ है, ये सारे मेरे ख्याल वही है, ये वही है, चट्टों वाला ही है ये। अच्छा पैर बैठा है पीछे। हाँ 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 सही सही सही, ये वही कबूतर है, ठीक हो गया। तो ये देखें जी, ये बड़ा सेटअप भी बहुत अच्छा है, पेयरिंग बड़ी अच्छी है, मतलब बड़ा खुले खाने हैं। बेटा आ रहे हैं, हम बाहर ही आ रहे हैं। हाँ ये नाज़रीन सेटअप था इनका। और अभी आपको जो परवाजी कबूतर है उनका आपको वैसे एक दफा झलक दिखा देते हैं, क्योंकि उनको हम पकड़ेंगे नहीं, वो तैयारी के कबूतर होते हैं, खुदा ना खास्ता खुद पर हाथ में या कोई ऐसा हो जाता है तो उनको। अच्छा ये फीमेल्स हैं सारी, ये जी इस वक्त निकल रहे, तो इन्होंने रुकना भी नहीं नीचे। ये देखें जी, ये माशाल्लाह उस्ताद सईद काशिफ अमीन साहब जो कि शागिर्द हैं उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के, डायरेक्ट उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के शागिर्द हैं, और बड़े अरसे उनकी जो है इनको कुर्बत में जो है मिली है 2006 से लेके और 2000 अभी लास्ट। बिल्कुल ये देखें जी, ये सारे उन्हीं के कबूतरों में से घर के ही तैयार करदा कबूतर हैं सारे। घर के आप ज्यादातर ब्रीड मेरे ख्याल घर के ही उड़ाते हैं घर के, लेकिन कामरान भाई इसमें ये है कि मेरे बहुत से दोस्तों का साथ है। अच्छा। मेरे पास वायरस आया था तो मेरे कुछ काफी परवाजी कबूतर मर गए थे। अच्छा। तो इनमें मकसद है मियाँ साहब से, चौधरी इजाज साहब से, मियाँ हामिद साहब से, उनसे मैं कुछ बेबीज लाया था, वो भी मैंने गिरदान लगाए हुए। अच्छा। अल्लाह पाक से उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त जी, माशाल्लाह बड़े अच्छे। ये फीमेल्स भी बड़ी, मेल भी बस दिखा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी चले। हाँ पकड़ो पकड़ो, आप पहले आए ना बाहर में। अच्छा चलो बाहर, आज की जरा वो जो है ना वाजिबा, आज तो रब नवाज साहब भी हमारे साथ है माशाल्लाह। क्या लें जी, ये लें जी, ये मेल है जी, ये मेल है, ये जी सारे मेल है। अच्छा इनमें कोई पिछले साल के परिंदे भी हैं? पिछले साल के नहीं है, पिछले साल के नाज़िर हैं कुछ, दो चार होंगे, यानी कि अभी पिछले साल, क्योंकि ज्यादातर मुझे जवान परिंदे नजर आ रहे हैं। अच्छा इसमें एक और कामरान भाई, अगर आप गौर करेंगे ना तो इनमें से 50% जो कबूतर हैं वो लकवे वाले हैं। जैसे ये मेरा काफी कबूतर है, ये उन्हीं जोड़ों का बच्चा है, यानी ब्रीडर भी है लेकिन उड़ा रहा हूँ मैं इसको, तो इसको भी रुका हुआ लकवा, ये देखा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अभी उड़ रहा है, बैठ रहा है, गर्दन रुक गई है, थम गई है, यानी कि वायरस ने आपका काफी नुकसान कर दिया। ये वो काली चोंच की बात कर रहा था, देखें ये बिल्कुल ऐसे। ये सलेटी कबूतरों पे आपका काफी वो जो है, वो छट्टों वाला बड़ा कबूतर है ना, उसी की उसी से है, तो उसको मैंने फिर अब दूसरा चाहिए होता है। मैं अब जब भी अजीम भाई की तरफ जाता हूँ उनके पास भी जो कासनी निकले होते हैं ना, तो मैं उठा के ले आता हूँ ताकि वो बन जाए। मेरा भी सिलसिला, उनको भी पता है यार ऐसे कासनियों का ज्यादा शौक है। सही। अच्छा तो ये लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे मुल्तान के शौक के हवाले से, कोई एक पैगाम भी दोस्तों साथियों से? पैगाम तो कामरान भाई यही है कि मेरा जाती तो पैगाम यही है कि यार इंसान जो है अपने माजी को भुला के, जो कुछ भी हुआ है, कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, कोई भी फरिश्ता तो है नहीं, है हाँ। तो हम सब लोग इंसान, शौक से हट के तो भाई भाई हैं। बाकी कामरान भाई किसी से कोई नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, पर्सनल कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन होप फॉर दी बेस्ट के यार इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि सब इकट्ठे होंगे, अपने अपने मसाइल हल करेंगे। तो उसके लिए अगर मेरी ज़ात जिस काबिल है तो मैं हमेशा हाजिर रहूँगा इंशाल्लाह, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए हमेशा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। और ये कि जो बयानबाजियां चल रही हैं उन चीज़ों से जरा नहीं, वो उसमें गुरेज करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उस पर बहुत काबू रखा हुआ है, अब कोई बयानबाजी है नहीं।
सही। तो बाकी ये है नहीं, वैसे भी एज ए होल मैं एक बात कर रहा हूँ, पर्सनल आपस में कुछ मैटर्स हैं वो अगर सॉल्व हो जाए तो बस इंशाल्लाह तमाम ये तमाम शौक अच्छा हो जाएगा। आतिफ भाई के बारे में क्या कहेंगे कि कैसे शौकीन है? जुनूनी शौकीन है। अच्छा, मेरा जो शौक है वो ब्रीडिंग की तरफ है। तो अभी जैसे आपने पूछा कुछ पुराने हैं तो मैंने नासिर से पूछ के बताया, मेरा इधर जरा कम रुझान है। वो आतिफ भाई का, आतिफ का ये है कि वो बस उसको यानी ये शोभे बांटे में शोभे वो उड़ाने का टोटल शोभा आतिफ का है। नासिर को पता होगा, उसने आज फोन करके बताना है कौन से खोलने हैं कौन से नहीं खोलने हैं, किन को रोकना है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आतिफ की चलती हैं, और अगर मैं कभी देता हूँ तो ये मेरी इंस्ट्रक्शन भी फॉलो नहीं करते, वो उसी की फॉलो करते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया सैयद काशिफ अमीर साहब आपका और आपके टाइम का। कैमरन भाई फिर किस दिन आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये है कि लकीली क्योंकि मैं भी आपको बताया 5-7 दिन से आ नहीं सका जी जी, तो मैंने कहा देख लूं, तो इंशाल्लाह फिर आतिफ भी होगा, आप भी होंगे, हम भी होंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह जी। तो ये जी जनाब उस्ताद सैयद काशिफ अमीर साहब थे, और ये इस वक्त औसजाबाद सामने आ गए, लोग कह रहे हैं जी बेटे से मिलवा दें। तो ये अब सामने आपके, और ये कहा हुआ है जी, कहा हुआ है पोती है, हाय अल्लाह पोती है। चलो ये अभी साफ करते हैं बाहर चल के। तो आप दोस्तों के, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान अब्बास आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।